नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टुर उपाध्याय। राफेल, ये उस हथियार का नाम है जिससे इन दिनों भारत के दुश्मन घबराए हुए हैं। खासकर आतंकी देश पाकिस्तान के तो होश उड़े हुए हैं, क्योंकि उसे पता है कि भारत के पास उसके F-16 विमान का मुंह तोड़ जवाब देने वाला ताकतवर विमान राफेल आने वाला है, जो कि पाकिस्तान की हर नापाक हरकत पर पैनी निगाह रखते हुए उसे हवा और जमीन पर नेस्तनाबूद कर देगा। इन सब बातों के बीच अब खबर है कि भारत के राफेल संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE में जाएंगे। खबर सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन असल में ऐसा होने वाला है। इसके पीछे की असल वजह क्या है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल राफेल विमानों को भारत पहुंचने से पहले UAE में गर्मी के परीक्षणों से गुजरना होगा, क्योंकि फ्रांस ठंडी जलवायु का देश है, जबकि भारत में भीषण सर्दी और गर्मी दोनों पड़ती है। राफेल विमान भारत की सर्दी आसानी से सहन कर लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन गर्मी सहन कर पाएंगे या नहीं, इसका परीक्षण UAE में किया जाएगा। UAE में भारत से 2-3 डिग्री ज्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए राफेल विमानों के लिए ये परीक्षण निर्णायक साबित होंगे। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच बातचीत हो चुकी है। UAE में पहले से ही अमेरिका का एयरबेस है। अबू धाबी के एयरबेस में राफेल विमानों के हीट परीक्षण शुरू होंगे। संभावना है कि अप्रैल या मई में ये परीक्षण किए जाएंगे, जब वहां अधिकतम तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। इन परीक्षणों का मकसद ये देखना है कि कहीं ज्यादा गर्मी में इन विमानों की कार्यप्रणाली प्रभावित तो नहीं होती है। यदि इनमें किसी प्रकार की दिक्कत दिखेगी तो फ्रांस को विमानों में तकनीक बदलाव करने पड़ सकते हैं। फ्रांस की तरफ से दिए गए प्रस्ताव में कहा गया है कि विमानों के हीट परीक्षण के दौरान भारतीय वायुसेना के अधिकारी और विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे। परीक्षण भारतीय पक्ष की देखरेख में किए जाएंगे। बता दें कि अक्टूबर महीने में जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पेरिस गए थे, उस दौरान फ्रांस की ओर से भारत को आधिकारिक तौर पर पहला राफेल सौंप दिया गया था। दरअसल भारत ने फ्रांस से जिन 36 विमानों की डील की है, उसमें से 4 विमानों की पहली किस्त मई 2020 तक भारत को मिलने वाली है। इसका मतलब यह हुआ कि मई 2020 तक ये विमान भारत की धरती पर पहुंचेंगे, और इन सभी विमानों की भारत में पहुंचने की डेडलाइन सितंबर 2022 रखी गई है। राफेल से जुड़ी ये खबर आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।